मैं वर्षा सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, शिक्षक संघ पर्यावरण संरक्षण से करेगा नामांकन अभिवर्दी, घर से गायब युवती का शव फंदे पर झूलता मिला, ईसीबी की कार्रवाई 1.78 लाख रुपए बरामद, महंत ने विद्यालय में ट्यूबवेल लगाने की घोषणा, चातुर्मास में जिज्ञासा से आत्मज्ञान की प्राप्ति का संदेश, वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अब समाचार विस्तार से, शिक्षक संघ पर्यावरण संरक्षण से करेगा नामांकन अभिवर्दी। दलपत सिंह आर्य की जानकारी के अनुसार राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत सत्र 2020-21 के लिए सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए नामांकन अभिवर्दी और पर्यावरण संरक्षण के लिए और स्वस्थ राजस्थान के लिए वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित कर घर घर सह जन अभियान शुरू करेगा। शिक्षक संघ शेखावत के जिला संयोजक दलपत सिंह आर्य ने बताया कि राजस्थान की हरित धरोहर विकसित करने हेतु तो शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की पर्यावरणीय पहल की जा रही है। संगठन ने इस सत्र में राज्य की स्कूलों और बच्चों के घरों में 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं स्कूल परिसर के साथ ही सभी विद्यार्थियों को घर पर लगाने हेतु तो 2-2 बीज दिए जाएंगे। घर से गायब युवती का शव फंदे पर झूलता मिला। समर्थाराम सुंदेसा व जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार थाना सायला क्षेत्र के पांथेड़ी में शुक्रवार को एक युवती का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर थाना अधिकारी सवाई सिंह में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का मौका मुआयना कर शव को नीचे उतारकर सायला राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिया भी सायला पहुंचे, जबकि मृतका की गुरुवार को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने युवती को बंधक बनाकर सामूहिक गैंगरेप कर शव को फंदे पर लटकाया है। वहीं दीपक राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में शनिवार को सायला में देवासी समाज के लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। लोगों ने पुलिस थाना सायला का घेराव किया और प्रदर्शन किया। इसी बीच सांसद देवजी पटेल भी सायला पहुंचे। इस मामले को लेकर सांसद ने पुलिस अधिकारियों, चिकित्सकों व ग्रामीणों से बात की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। इस घटनाक्रम में अभी तक शव को मोर्चरी से नहीं उठाया गया है। वहीं पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है। वहीं मामले को लेकर राष्ट्रीय भगवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश नोरवा भी जालौर पहुंचेंगे। ईसीबी की कार्रवाई 1.79 लाख रुपए बरामद। रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही एसीबी एसपी नारायण सिंह राजपुरोहित के कुशल नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। घुसखोर असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर मूलचंद को 1,79,630 रुपए की रिश्वत व तलाशी के दौरान एक एलजी कंपनी का टीवी व छत फैन के साथ घर दबोचा गया। पूछताछ के दौरान वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। ग्राम पंचायतों के ऑडिट के दौरान सरपंचों के वसूली न निकालने के एवज में रिश्वत की राशि लेकर एकत्रित करने का मामला सामने आया है। जसवंतपुरा टोल प्लाजा के निकट जोधपुर जाते समय दस्त याद किया गया। एसीबी की इस कार्रवाई से घुसखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। रायपुरिया विद्यालय में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए मदन भारती महाराज कोटड़ा धानेरा गुजरात ने विद्यालय परिवार एवं ग्राम वासियों के अनुरोध पर
ट्यूबवेल खुदाई करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही विद्यालय में हुए वृक्षारोपण को पानी पिलाने हेतु बूंद बूंद सिंचाई योजना की पाइपलाइन भी डलवाने का आश्वासन दिया है। घोषणा के साथ ही विद्यालय परिवार एवं ग्रामवासियों ने मंत श्री को इस पुण्य कार्य के लिए धन्यवाद दिया है। दोनों कार्यों की अनुमानित लागत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चातुर्मास में जिज्ञासा से आत्मज्ञान की प्राप्ति का संदेश। प्रकाश छाजेड की जानकारी के अनुसार श्री जिनकांति सागर सूर्य स्मारक ट्रस्ट एवं जहाज मंदिर चातुर्मास समिति 2020 द्वारा आयोजित चातुर्मास के अंतर्गत हुए जहाज मंदिर परिसर के प्रवचन हॉल में आयोजित पूज्य खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत जिन मणि प्रभु सुरेश्वर महाराज की प्रवचन श्रृंखला का प्रारंभ आज गणनायक सुख सागर महाराज की गुरु वंदना के साथ शुरू हुआ। अपने प्रवचन में आचार्य जिन मणि प्रभु सुरेश्वर महाराज ने शंका और जिज्ञासा में भेद बताते हुए कहा कि शंका उत्पत्ति का कारण हमारा अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान है, वहीं जिज्ञासा हमें अपने आत्मज्ञान को पूर्ण करने हेतु प्रेरित करती है। जिज्ञासा को हम अपनी उत्कंठा भी मान सकते हैं। वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती मुर्द्रा सिली में शनिवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी मुर्द्रा सिली में पौधारोपण किया गया। ग्राम पंचायत मुर्द्रा सिली द्वारा हरित राजस्थान के तहत विद्यालय में पौधारोपण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें प्रधानाध्यापक देवाराम पाटी, नरेगा श्रमिक, पंचायत सहायक तिलोक राज मेघवाल आदि मौजूद थे। इसी तरह दौलचंद सोनी की जानकारी के अनुसार भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के गांव स्थित वन महोत्सव के दौरान पीईओ क्षेत्र थोबाव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुम्हार खेड़ा में पीईओ रुग्नाथ राम के सानिध्य में वृक्षारोपण किया गया। पीईओ ने बताया कि स्कूल में 108 पौधे लगाने का लक्ष्य है, वहीं प्रत्येक सदस्यों को अपने अपने घरों में खाली जगह पर एक एक पौधा लगाने का संकल्प दिलवाया गया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज आलोर शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।